कक्षा पहली हिंदी मीडियम विषय हिंदी का पार्ट दो मामा का गांव। मेरा नाम पाखी है। मैं अपनी माँ व पिता के साथ शहर में रहती हूँ। मेरे मामा गांव में रहते हैं। मुझे मामा के यहाँ जाना अच्छा लगता है। मेरे विद्यालय की छुट्टियाँ थी, मुझे मामा के गांव जाना था। मैं सुबह 5 बजे उठ गई। उठकर हाथ मुँह धोया और कांच की चूड़ियाँ पहनी। तांबे का गुच्छा अपने थैले में रखा। इतने में तांगा आ गया। सर्दी की ऋतु थी, सर्दी के कारण कांप रही थी। माँ ने मुझे तांगे में बैठा दिया। दादी माँ ने हाथ पांव अच्छी तरह ढाँप दिए। गांव दूर था। चलते चलते सांझ हो गई। शाम शाम करती आधी आ गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तांगे में भी यहाँ वहाँ धूल भर रह गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़ा खाई में गिरते गिरते बचा। अब घोड़ा भी पांव फूक फूक कर रख रहा था। तभी मामा का गांव आ गया। मैंने खुशी से उछल पड़ी। मामा द्वार पर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे दौड़कर गोद में उठा लिया। जब आपके घर में की छुट्टी आती है तो आप मामा के घर जाते हैं, कोई दादा दादी के पास जाता है जो, तो उनको बहुत खुशी होती है। वैसे ही पाखी को अपने मामा के गाँव जा कर बहुत खुशी हो रही थी। और इसलिए वो कहानी है कि पाखी को कितनी खुशी हुई। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है। इसमें आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ आपको करने हैं, जैसे सुबह का प्रातः, धोया का साफ करना, तांगा घोड़ा गाड़ी, सर्दी ठंड, कांपना कपकपाना, ढापना मतलब ढकना, सांझ मतलब शाम, खाई मतलब खंदक, गड्ढा मतलब ज़्यादा गहरा, धूल मिट्टी रेत आदि की छोटे छोटे कण, और द्वार मतलब दरवाज़ा, और इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, और गोद मतलब आँचल। ये प्रश्न लिखे हैं। इसके बाद उत्तर अगले पेज में हैं। उसके बाद खालिस्तान दिए हुए हैं और सही गलत दिए हुए हैं। तो आप पहले प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर ये सब करेंगे, ओके। ये प्रश्न उत्तर है आपके। पाखी के माता पिता कहाँ रहते थे? तो शहर में। पाखी को कहाँ जाना अच्छा लगता था? मामा के गाँव। पाखी किस पर बैठकर मामा घर गई? तांगे पर बैठकर। घोड़ा किस कारण खाई में गिरते गिरते बचा? अंधेरा होने के कारण। पाखी को दरवाजे पर कौन इंतज़ार कर रहा था? मामा। मामा ने दौड़कर क्या किया? पाखी को गोद में उठा लिया। ये आपके प्रश्न उत्तर है। इस प्रश्न उत्तर के बाद आप खालिस्तान करेंगे। खालिस्तान के बाद आप सही गलत करेंगे, ऐसे वन बाय वन करेंगे, एक के बाद एक, ओके। और उसके बाद सुलेख लिखिए, ये दिया हुआ है, ये सुलेख आपको स्वयं करना है। उसके बाद नीचे अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक लगाकर सही शब्द बनाइए, मतलब बिंदी की जगह चंद्रबिंदी लगाकर आपको नए शब्द बनाना है। जैसे मुँह लिखा है तो उस पर चंद्रबिंदी लगा के नया शब्द आपको बनाना है। कांच, तांगा, पांव, आदि, फूंक, गांव, पांच, और ये एक पांव है और एक पांच है, शाम का शाम, ओके। तो ये आप करना और याद करना है इसको। थैंक यू।